क्या है ना कि हमारे हिंदुस्तान में कोई रिलेटिव या रिश्तेदार जब घर पर आता है ना तो पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे से कि बेटा उनके पैर छुओ और आशीर्वाद लो। तो आज के दिन पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है अपने पड़ोसी मुल्क से कि बेटा आज के दिन पैर छुओ और हमारा आशीर्वाद लो ताकि आपका जीवन सफल हो जाए। तो आज है स्वतंत्रता दिवस, तो सबसे पहले आपको 75 साल की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ही के दिन गदर मचा रही फिल्म यानी कि गदर 2 भी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है। इसकी कमाई रिकॉर्ड्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि अगर इसके फिल्म के पार्किंग टिकट्स के प्राइस भी काउंट करें ना तो लगता है कि पाकिस्तान की आधी GDP हो जाएगी। कितने लोग बोलेंगे कि भाई तू नफरत वाली क्यों बात करे, तो भाई आपको बता दूं कि जो मुल्क नफरत से ही अलग हुआ है तो हम क्या नफरत कर सकते हैं। तो खैर चलिए बात करते हैं गदर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और इसके क्रेज के बारे में। डेफिनेटली इस फिल्म को आने के बाद जो रिव्यूज मिले थे वो काफी ज्यादा नेगेटिव थे, मेरे तरफ से भी नेगेटिव थे, बट यहां पे मेरे के साथ-साथ और भी हेटर्स की बोलती बंद कर दी इस फिल्म के कलेक्शन ने। कहते हैं ना किसी फिल्म को अगर पब्लिक ने उठा लिया तो फिर उस फिल्म को कोई भी नहीं रोक सकता, और वही हो रहा है गदर 2 के साथ। रोज हम यही सोचते कि भाई अब नेक्स्ट वीडियो बनाते किसी और टॉपिक को लेकर, बट सुबह होते ही यहाँ पे गदर 2 का एक नया रिकॉर्ड सामने आ जाता है और गदर 2 पे एक और वीडियो बनाना पड़ जाता है। फिल्म ने अपने पहले दिन 40 करोड़ 10 लाख से इंडिया नेट कलेक्शन किया था और फिल्म ने अपने 5 दिनों में 232 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन किया है, जिसमें आज का भी इंक्लूडेड लगभग 55 करोड़ रुपए इंडिया नेट कलेक्शन। और आज की जो हाउसफुल बुकिंग है ना वो नेक्स्ट लेवल पे है भाई साहब, नेक्स्ट लेवल पे। मिराज सिनेमा की तरफ से 24/7 hours ये मूवी के जो शो काउंट है वो बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा 232 करोड़ से भी इस फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन है। इसके अलावा इंडिया ग्रॉस फिल्म का हो रहा है 276 करोड़ रुपए। 24 से 25 करोड़ रुपया फिल्म ने अभी तक विदेश से कमाई की, जिसके साथ फिल्म का अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो 302 करोड़ रुपया लगभग वर्ल्ड वाइड फिल्म का आ रहा है सामने, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। और यह भी एक फिल्म हो गई जिसने 5 दिनों में 300 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पार किया। इसी के साथ क्लैश होती है अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2। सबको क्या लगा कि गदर 2 के सैलाब में ओ माय गॉड 2 बह जाएगी, बट यहां पे ओ माय गॉड 2 भी खेल गई अपने रियल कंटेंट और रियल परफॉर्मेंस के दम पर। फिल्म ने भी जहां पर 3 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 43 करोड़ का किया, वहीं मंडे के दिन सबको लगा कि फिल्म का जो कलेक्शन है काफी ज्यादा वीक हो जाएगा, बट मंडे भी फिल्म ने 12 करोड़ का नेट कलेक्शन करके ऑल टाइम रिकॉर्ड सेट कर दिया। इसी के साथ फिल्म आज भी लगभग 21 करोड़ का नेट कलेक्शन कर रही है, जो कि 15 अगस्त का बहुत बड़ा इसको एडवांटेज भी मिल रहा है। तो फिल्म अभी तक नेट कलेक्शन में 76 करोड़ का कर चुकी है, वहीं वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 104 करोड़ का कलेक्शन कर रही है। तो डेफिनेटली ये भी अक्षय कुमार की बहुत दिनों बाद एक हिट फिल्म खाते में आ चुकी है। यही इसी की तरफ यहाँ पे दूसरी फिल्म आती है जेलर, यहाँ जो कि 10 अगस्त को रिलीज होती है रजनीकांत की, जिसका हिंदी में नेट जो कलेक्शन है केवल 80 लाख है, यानी कि ये फिल्म हिंदी मार्केट में पूरी तरह से फेल रही, बट तमिल में इस फिल्म ने नेट कलेक्शन 174 करोड़ के आसपास किया है, जो कि तमिल इंडस्ट्री में हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म की लिस्ट में भी आ गई। यार यहाँ पे अवार्ड्स मिल चुके हैं, एक सेलिब्रेशन भी मिल चुका है, यानी कि 60 साल से ऊपर दो एज यानी कि सनी देओल और रजनीकांत को एक सेलिब्रेशन मिला है कि इनकी दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर वो रिकॉर्ड बनाया इस 4 से 5 दिनों में, जो आज के पहले किसी भी फिल्म ने नहीं बनाया, और इंडस्ट्री को 300 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा करके इस फिल्म ने दिया है। तो ये था गदर 2 का सैलाब और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि मेरी कोई भी नोटिफिकेशन फ्यूचर में आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।